नमस्कार, एवन तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपर फास्ट बुलेटिन। पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास के दो अफसर लापता, दोनों अफसर इस्लामाबाद स्थित भारतीय हाई कमीशन में थे तैनात। भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान से दोनों अफसरों का फौरन पता लगाने के दिए निर्देश। भारत विदेश मंत्रालय ने इस बारे में पाकिस्तान को दिया था डिप्लोमेटिक नोट, जिसमें कहा था कि मार्च से अब तक भारतीय राजनयिकों को परेशान या पीछा करने की 13 घटनाएं आ चुकी है सामने। भारत ने चेतावनी दी थी कि पाकिस्तान में यह सिलसिला फौरन रुकना चाहिए। पहली बार रूम में दमखम दिखाएगी भारत की तीनों सेनाएं। विक्ट्री डे परेड में मॉस्को के रेड स्क्वायर में मार्च करेगी भारतीय त्रिकोणीय सैन्य टुकड़ी। 19 जून को होगी रवाना, चीन की बढ़ सकती है चिंता। दुनियाभर में कोरोना का कोहराम जारी, अब तक 79 लाख से ज्यादा लोग हुए संक्रमित, तो 4,35,000 से ज्यादा मरीजों ने गवाई जान, तो वहीं 41 लाख से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना का कहर जारी, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 3,32,000 के पार, अब तक 9,520 मरीजों की हुई मौत, तो वहीं 1,69,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद हुए स्वस्थ। दिल्ली में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा बैठक। बैठक में राजनेताओं के साथ दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल कुमार और आम आदमी पार्टी नेता संजय कुमार रहे मौजूद। सर्वदलीय बैठक में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा 20 जून तक दिल्ली सरकार 18,000 लोगों को रोजाना करेगी कोविड-19 की टेस्टिंग। केंद्रीय गृह मंत्री बीजेपी ने टेस्टिंग में 50% की छूट की स्वीकार। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की मांग, जो परिवार कोरोना से प्रभावित है या फिर कंटेनमेंट जोन में है, सरकार उन सभी को 10,000 रुपए प्रति परिवार दे। कोविड-19 संकट के दौरान मेडिकल के चौथे वर्ष के छात्रों को नॉन परमानेंट रेजिडेंट डॉक्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। राजस्थान में कोरोना संक्रमण का बड़ा ग्राफ, आज 78 नए कोरोना के पॉजिटिव मामले आए सामने। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 12,700 के पार, तो कोरोना से अब तक 294 लोगों ने गवाई जान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आईसीएमआर ने एंटीजन टेस्टिंग किट को दी मंजूरी, आधे घंटे में आ सकता है रिजल्ट, रिपोर्ट के लिए अब नहीं करना होगा इंतजार। और लॉक हुई मुंबई की लाइफलाइन, 86 दिन बाद लोकल ट्रेन सेवा शुरू। 1200 की क्षमता वाले डिब्बे में 700 लोग ही बैठेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को यात्रा की अनुमति। मध्य रेलवे की 200 और पश्चिमी रेलवे की 120 लोकल ट्रेनें चलेगी। पुलिसकर्मी, नर्सेज, डॉक, नगर निगम के कर्मचारी और पत्रकार ही कर सकेंगे यात्रा। रेलवे स्टेशन क्षेत्र से 150 मीटर तक कोई फेरी वाला नहीं आएगा, पार्किंग भी नहीं होगी। नेपाल के साथ ताजा सीमा विवाद पर राजनाथ सिंह का बयान, रक्षा मंत्री ने की नेपाल से बातचीत की वकालत, कहा नेपाल को कुछ गलतफहमी है जिसे बातचीत से सुलझाया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत नेपाल के बीच असाधारण संबंध, हमारे बीच रोटी बेटी का रिश्ता, दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। लॉकडाउन के बीच आमजन पर महंगाई की मार, लगातार 90 दिन हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, पेट्रोल में 48 तो डीजल में 69 पैसों का इजाफा, लगातार 90 दिन पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अस्पताल ने की जारी, फांसी के कारण दम घुटने से हुई उनकी मौत, वहीं परिवार वालों का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकते। गुजरात के कच्छ में एक बार फिर भूकंप का झटका, कल रात से 11 बार हिली धरती, हालांकि किसी तरीके की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। हरदोई में गोबर डालने के विवाद में लेकर महिलाओं में हुई आपस में मारपीट, मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल, घटना के बाद दोनों पक्षों ने किया समझौता, वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने निरोधात्मक कार्रवाई के दिए निर्देश। पहले आर्मी चीफ राजेंद्र सिंह जुड़ेजा की जयंती पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी श्रद्धांजलि, कहा उनकी वीरता और समर्पण को हमेशा किया जाएगा याद। राज्यसभा चुनाव में जीत में जुटी कांग्रेस, एकांतवास में रह रहे कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों ने लिया समय बिताने के लिए स्पोर्ट्स और योगा का सहारा, एकांतवास में स्पोर्ट्स और योगा समय बिताने का सहारा। कांग्रेसी विधायकों को अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी देने के लिए सेमिनार का आयोजन, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का व्याख्यान। सेमिनार में प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, सह प्रभारी विवेक बंसल, आईसीसी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सहित कई आला नेता शामिल। राजस्थान में हो रही है सियासी हलचल के बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा बीजेपी पर हमला, कहा लोकतंत्र का चीरहरण कर रही बीजेपी, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का किया जा रहा है प्रयास। तो वही अविनाश पांडे ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भी साधा भाजपा पर निशाना, कहा बीजेपी के पास एक और कांग्रेस के पास 2 सीटों की संख्या बल था तो फिर बीजेपी ने क्यों उतारा चौथा उम्मीदवार, कांग्रेस के पास 125 विधायकों का समर्थन है। कांग्रेस के बाद अब मंगलवार को भाजपा विधायक दल की बैठक, भाजपा मुख्यालय में होने वाली बैठक में आरएलपी विधायक भी होंगे शामिल, विधायकों को दी जाएगी चुनाव में वोटिंग देने की ट्रेनिंग।
बैठक के बाद बीजेपी विधायकों को 2 से 3 दिन तक रखा जाएगा एकांतवास में। ओंकार सिंह लखावत की जीत के लिए बीजेपी को 27 और विधायकों की आवश्यकता। भाजपा का दावा, कांग्रेस और पार्टी के मनमुटाव और मोदी की नीतियों में विश्वास रखने वाले विधायकों का मिलेगा समर्थन। प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर हो रहे चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी। एसओजी में की गई शिकायत को लेकर बोले मुख्य सचेतक महेश जोशी, कहा मेरे बयान दर्ज होने के बाद मीडिया के सामने आएगी कई बातें। प्रदेश में शुरू हुई राजस्थान रोडवेज की सुपर लग्जरी बस सेवा, रोडवेज अभी जारी कर रहा है सिर्फ ऑनलाइन टिकट। लॉकडाउन के चलते बंद थी सुपर लग्जरी बसों की सेवाएं। राजधानी में निजी बस ऑपरेटर्स का हल्ला बोल, बस ऑपरेटर्स ने परिवहन मुख्यालय पर किया कूच। मुख्यालय पर खड़ी है बसें, 6 माह की टैक्स माफी और आरसी सरेंडर की मांग। जयपुर में निजी बस ऑपरेटर्स का परिवहन मुख्यालय पर कूच। बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ हुई बैठक के बाद भी अभी तक नहीं हुआ कोई आदेश जारी, ऐसे में बस संचालकों को हो रहा है घाटा। कोरोना के बीच सोना चांदी में जोरदार गिरावट, 24 कैरेट शुद्ध सोने में प्रति 10 ग्राम 300 रुपए की गिरावट तो चांदी में प्रति किलो 700 रुपए की गिरावट हुई दर्ज। पाली के सुबेरपुर में कोरोना का विस्फोट, 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 100 के पार, बीसीएमओ शरद सक्सेना ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। अलवर में भी कोरोना का बड़ा ग्राफ, सोमवार को आई रिपोर्ट में 22 नए केसेस सामने आए। जिले में अब तक हो चुके हैं कुल 304 कोरोना मरीज। वहीं अलवर जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया अनलॉक 1 में लोगों ने कोरोना को लिया गंभीरता से लेना छोड़ दिया। अलवर में लोगों की अनदेखी के कारण बढ़ रही है केसेस की संख्या। अलवर के बानसूर में कोविड-19 की रोकथाम को लेकर आरएएस हरिराम मीना ने ली अधिकारियों की बैठक। तो वहीं बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव ने 300 बेड युक्त कोविड-19 सेंटर की सुविधाओं और अस्पताल के बारे में दी पूरी जानकारी। धौलपुर में कोरोना संक्रमण का बढ़ रहा है ग्राफ, जिसके बाद जिला प्रशासन ने शहर सहित अन्य उपखंडों और कस्बों में किया कर्फ्यू घोषित। पुलिस ने निकाला पैदल मार्च, आमजन से की घरों में रहने की अपील। सीकर के दातारामगढ़ में समाजसेवी राजेंद्र धीरजपुरा ने मनरेगा श्रमिकों को बांटे मास्क और सैनिटाइजर। तो वहीं श्रमिकों ने अपनी विभिन्न समस्याओं से राजेंद्र धीरजपुरा को करवाया अवगत। झालावाड़ के खानपुर में दिखाया वन टीवी की खबर का असर, सारोला क्षेत्र में खबर चलाने के बाद प्रशासन ने चलाया टिड्डी नियंत्रण अभियान। आपको बता दें कि 5 हेक्टेयर क्षेत्र में टिड्डियों ने जमा रखा था डेरा। जयपुर की ज्योतिनगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। आपको बता दें कि आरोपी ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था, जिसके बाद में पीड़िता गर्भवती हो गई थी। वारदात का पता लगने पर परिजनों ने 9 जून को कराया था मामला दर्ज। जोधपुर के करवट थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुट भिड़े, पत्थरबाजी और फायरिंग के बाद एक युवक हुआ घायल। तो वहीं पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर की मामले की जांच शुरू। भरतपुर के रुदावल में गंदे पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, विवाद में लाठी डंडा चलने और पथराव होने से 1 महिला सहित 8 लोग घायल। तो वहीं उपचार के दौरान हुई 1 व्यक्ति की मौत। बूंदी के रैनवा में छात्र से मारपीट के मामले ने पकड़ा तूल, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 3 आरोपियों की तलाश जारी। आपको बता दें कि 7 छात्रों ने इंद्रगढ़ माता मंदिर के पास पीड़ित से की थी मारपीट, पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पीड़ित के परिजनों ने पुलिस उपाधीक्षक को कराया पूरे मामले से अवगत। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में प्राइवेट बस स्टैंड के पास लगी आग, आग लगने से गैस वेल्डिंग और पंचर की दुकान में 5 से 6 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने पाया आग पर काबू। अजमेर के नसीराबाद के दिलवाड़ा गांव में चारे से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में पिकअप चालक हुआ घायल। सूचना के बाद पुलिस ने यातायात कराया सुचारू। अजमेर के नसीराबाद में जिग्गी सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ तेज, अधिशासी अधिकारी और पूर्व चेयरमैन ने किया निरीक्षण, मोटर बोट चलाने पर भी किया जा रहा है विचार। अजमेर के नसीराबाद में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में कार सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल जबकि 1 युवक को आई हल्की चोट। राजसमंद के भीम कस्बे में स्थित खीमाखेड़ा के पास कंटेनर और ट्रक की भिड़ंत, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, ओवरटेक करते समय हुई भिड़ंत, पुलिस ने राहगीरों की मदद से चालक और खलासी को निकाला बाहर। कोटा के चंदेसल इलाके में यूआईटी की ओर से मकानों को तोड़ने की चेतावनी देने के बाद स्थानीय लोगों ने किया यूआईटी कार्यालय का घेराव, आक्रोशित लोगों ने यूआईटी के मेन गेट पर दिया धरना लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन। जम्मू कश्मीर में सरपंच की हत्या का मामला, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने पीएम मोदी के नाम भीलवाड़ा कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, कहा हत्यारों को मिले कड़ी से कड़ी सजा।
चौक में बकरा मंडी में बंद होने से करोड़ों रुपए के व्यापार प्रभावित। व्यापार संघ ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, हाट बाजार खुलवाने की मांग। भरतपुर के कामा में लुपिन फाउंडेशन की ओर से कोरोना योद्धाओं का किया सम्मान, फेस शील्ड देकर बढ़ाया हौसला। थानाधिकारी और तहसीलदार ने संस्था का जताया आभार। मॉनसून ने महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ समेत कई हिस्सों में दी दस्तक, लेकिन अभी तक इसकी रफ्तार कम है। मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून की रफ्तार कुछ धीमी रहने की संभावना। तो वहीं दिल्ली, राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के पार, कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। झुंझुनू, सीकर, अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, कोटा में धूल भरी आंधी भी जताई संभावना। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।